इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप तमाम को जश्न मिलादुन नबी की मुबारकबाद। आज बेलगाम शहर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला गया। खासकर बेलगाम शहर के मुसलमानों की बात की जाए तो खुसूसन नौजवानों में जुलूस को लेकर काफ़ी जोश देखा जा रहा था, लेकिन हुकूमत की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए महज मस्जिद में ही कुलपोशी और जिम्मेदारान ने अपने ख्याल का इजहार किया। सिर्फ कमेटी के जेर मातहत जुलूस का अहतमाम किया जाता है, लेकिन जब से कोरोना या फिर लॉकडाउन का दौर जारी हुआ जुलूस इजलासों पर पाबंदियां आयद की गई। लेकिन अब तमाम कारोबार, स्कूल कॉलेजेस, बाजार, मॉल्स, यहां तक के सिनेमा हॉल भी शुरू किए गए। हुकूमत की गाइडलाइन की परवाह किए बगैर दिगर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन आज मुस्लिम समाज की जानिब से किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला गया। अक्सर लोगों में हुकूमत की जानिब से नाराजगी का इजहार भी देखा गया। मस्जिद में बयानात, फिर ईद मिलाद के परचम रसाई का एहतमाम किया गया, फिर कुछ ही लोग असद खान दरगाह पहुंचकर ईद मिलाद को मुकम्मल किया गया। खैर, कुछ मुस्लिम मोहल्लों में बच्चे परचम लिए घूमते देखे गए तो कुछ जगहों पर घरों पर लगाए परचम तक निकालने पुलिस पहुंची थी, ऐसी इत्तला भी हासिल हुई है। आवाम की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी सख्तियां महज एक ही माशरे पर क्यों। वैसे भी राज्योत्सव के लिए किसी भी गाइडलाइन की परवाह नहीं की जाएगी और बड़े पैमाने पर जुलूस निकालने का इशारा भी दिया गया। इसी तरह समिति ने भी अपने जुलूस का या काले दिन मनाने का भी ऐलान किया गया। कन्नड़ तंजीमों की जानिब से दी जा रही वही कल वाल्मीकि जयंती भी है, इससे भी पहले गणेश का त्यौहार हो या फिर दशहरा का भी मनाया गया, जिसे बेखौफ हजारों लोग सड़कों पर जुलूस की शक्ल इख्तियार कर डीजे के सामने नाचते भी देखे गए। कुल मिलाकर मामला तवाजन के साथ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जमातों, जिम्मेदारों, कारपोरेटरों और दिगर सियासी लीडरों का कहीं किरदार ही नजर नहीं आ रहा था। आपसी इंतशार भी इसमें महसूस किया जा रहा है। अपनी सियासी रणनीति के तहत कुछ लोग आगे तो कुछ पीछे, इस तरह के मंजर देखे गए। मुस्लिम समाज में किसी तरह की कयादत नजर नहीं आ रही। फिर मसले के इख्तलाफ भी अपनी जगह पर अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। इस तरह एक माशरे की पस्ती को भी तारीखी कहा जा सकता है। पुलिस थानों में किसी की कोई परवाह नहीं करते देखा जाता है। कुछ मामले पेश भी आते हैं तो सिवाय गुजारिश इल्तजा जी हुजूरी के कुछ बचा नहीं है। अगर दूसरा पहलू भी देखेंगे तो और भी सोचने पर मजबूर करने वाला है। फिरका परस्त बेखौफ होकर सड़कों पर दंदना रहे। यकीनन कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन जिस तरह तलवारों की नुमाइश के जरिए खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें वो कामयाब भी नजर आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दशहरा के दिन यानापुर में एक चिकन दुकान वाले को ना सिर्फ पीटा गया बल्कि दुकान को तोड़ने तक कोशिश गई, यहां तक के दुकान को जलाने की कोशिश। अब बेलगाम शहर और अतराफ में ऐसे कई गाँव करिए जहाँ अकलैती समाज रहता है। सदियां गुजारी लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम तफरका नहीं देखा गया। छोटे कारोबारी किसान जिनकी पुश्तैनी जमीन है, कभी भी तफरका जहर नहीं देखा गया था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जहर को पैवस्त करने की कोशिश कुछ समाज विरोधी ताकतों की जानिब से की जा रही। लिहाजा यमुनापुर में महज दुकान को शुरू रखने की वजह से मालिक को बेरहमी से पीटा गया बल्कि दुकान को भी पूरी तरह से जलाने की कोशिश की गई। पुलिस थाने जाते हैं फरियाद दर्ज करने के लिए, जब मुतासिर शख्स पहुंचता है तो उसे ही मुजरिम की तरह उसके साथ बर्ताव कर वापस भेज दिया जाता है। खुद हाथ में कानून लेकर अखलाक की पुलिस बनने की वारदातों में आजकल काफी इजाफा हो चुका है। आज इसी वाक्य पर, यानी कि यमुनापुर के वाक्य पर सहाफियों को जवाब देते हुए DCP विक्रम आमटे ने कहा कि फरियाद दर्ज की होती तो मुजरिमों पर कार्रवाई की गई होती, जबकि सभी जानते हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वही दूसरी ओर दशहरा के दिन तलवारों को लहराते हुए डीजे पर नाचने वालों पर FIR दर्ज की गई है। कितना अजीब लग रहा है कि हथियारों के साथ नाचने वालों पर FIR दर्ज करने में भी कुछ दिन ताखीर करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। कुछ मीडिया वालों ने एतराज जताया तभी जाकर मुकदमे दर्ज किए गया क्या, ऐसा भी आवाम की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या कर्नाटक भी UP की नहज पर चलने लगा है? और वैसे भी वजीर आला की जबान भी योगी की जबान बनती जा रही है। कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमें कानून को हाथ में लेकर अखलाक की पुलिस बनने की, यानी कि नैतिक पुलिसगिरी करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इसे एक तरह से अमल का रद्द अमल कहते हुए हिमायती जुमलों को
वजीर आला बसोर अजबू मैं कहे जिस पर पूरी रियासत में गुस्से की लहर देखी जा रही है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने बसोर अजबू मई को ही कानूनी नोटिस देते हुए माफी मांगने का मुतालबा किया। 10 पन्नों की नोटिस में सवाल पूछे गए हैं कि जो शख्स रियासत के अहम मुद्दे पर बैठकर मजहबी तशद्दुद की हिमायत कैसे कर सकता है। बढ़ते मजहबी तशद्दुद के मामले पर जब सवाल पूछा गया तो वजीर आला ने कहा कि अमल का रद्द अमल हो सकता है। इसका क्या मतलब, किस तरफ इशारा यह किया जा रहा है? क्या अकलीती समाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने माशरे को अपने माशरे के नौजवानों पर जिम्मेदार आन जमातों का काबू जरूरी है, किसी दूसरे समाज के जज्बात को ठेस पहुंचे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अमल का रद्द अमल हो जाता है। लॉयर्स एसोसिएशन ने वजीर आला से सवाल पूछा कि क्या रद्द अमल करने को सही मानते हुए तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हो, क्या आप इस रद्द अमल पर काबू कर पाएंगे? खैर, अब ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने नोटिस भेजकर जवाब तो तलब फरमाया है, लेकिन क्या इसका कुछ फर्क पड़ सकता है? उमूमन यह देखा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसी वारदातों को हवा दी जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह इसका फायदा उठाया जा सके। वही कहीं पर भी हो, मुल्की सतह पर मुस्लिम समाज का कोई लीडर रहनुमा नजर नहीं आ रहा। आवाम इस कदर कश्मकश में है कि आखिर जाए तो कहां जाए, कौन सी पार्टी का दामन थामले, कहां पर हमारी इज्जत और हमारी जान माल तहफूज हो सकता है। एक और बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकलीती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम की जेर सदारत एक वक्त बसवराज बोम्मई को मिलने गया था। भाजपा में मुस्लिम नुमाइंदे की भी किस तरह इज्जत होती है ये भी देखे, क्योंकि आजकल ये भी कहते हुए लोगों को देखा जा रहा है कि क्यों ना हम भाजपा में जाकर मुसलमानों को फायदा कर सके, जब इन अकल के अंधों को समझने की जरूरत है कि मुल्क की सियासत ही मुसलमानों से आबाद है। जब बसोर अजबोम्मई से मिलने मुस्लिम नुमाइंदे पहुंचे तो इनकी तरफ एक नजर देखना भी वजीर आला ने पसंद नहीं किया। यही वो योगी की तरह अमल करते हुए देखा जा रहा है। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी तमाम मुस्लिम वफ्द को खाली हाथ लौटना पड़ा। इंतजामिया की मजबूरी होती है कि इख्तदार पजीर हुकूमत के मातहत ही ज्यादातर फैसले या कार्रवाई की जाती है। लिहाजा एक बार फिर आज मिलादुल नबी के मौके पर इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया। कुछ नौजवान झंडे लिए यहाँ वहां भटक रहे थे तो महज कुछ ही लोग मस्जिद के अंदर नजर आए। कुछ 100 लोग भी यहाँ इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। कुछ लोग जुलूस के इंतजार में थे तो कुछ मोहल्लों में मख्तसर इजलास कर ईद मनाते देखे गए। कुल मिलाकर बेलगाम मुस्लिम माशरे को एक बार फिर बिखरते देखा गया, जो आने वाले दिनों के लिए बेहतर साबित नहीं हो सकता। कर्नाटक में कुछ शहरों में ईद मिलाद के जुलूस के एहतमाम की खबरें हासिल है, लेकिन कुल मिलाकर तकरीबन शहरों में एक जैसा नजारा ही देखने को मिल रहा है, जिसे मुंतशिर कौम का एहसास हो जाता है। महज ईद मिलाद का मौका था और कुछ लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बकरीद के वक्त, कुर्बानी के वक्त भी इसी तरह का माहौल देखा गया। कई जानवर पकड़ कर ले गए, कईयों को पीटा गया। जरूरत है मुत्तहिद होकर मिल बैठ कर आने वाले मुस्तकबिल के लिए सरों को जोड़ कर बैठने की, वरना तो ये बेहिसी आने वाले मुस्तकबिल पर जरूर असरअंदाज होगी, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। आज ईद मिलादुल नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम फोर्ट रोड यंग कमेटी की जानिब से किया गया। इस वक्त यंग कमेटी के जिम्मेदार मुजम्मिल हाकिम ने कहा कि जब मरीज को खून की जरूरत होती है तो खून की एक बूंद किसी की जान बचा सकती है, लिहाजा बढ़ते हादसात के मद्देनजर खून की कमी को अस्पतालों में महसूस किया जा रहा है। जश्न मिलादुल नबी के मौके पर
ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है ऐसा भी कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजम्मिल हकीम हूँ। फोर्ट रोड यंग कमेटी की जानिब से इस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के हम फोर्ट रोड यंग कमेटी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। इधर एक मरीज को मालूम जो उनकी कतरे की कीमत क्या होती है, कई सारे मरीजों को जो खून की जरूरत होती है, यही मौके पर हमें ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया फोर्ट रोड यंग कमेटी की तरफ। आज जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर सीरत कमेटी और ग्रीन सेवियर की जानिब से पौधों को लगाने के काम को अंजाम दिया गया। तकरीबन 150 से भी ज्यादा पौधों को लगाया गया। इस वक्त गजाली सोसाइटी के मेम्बरान भी शरीक रहे, पौधे के पीटीसीएल कैंपस में लगाए गए। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर पौधों को लगाने के काम को अंजाम दिया गया। सुलेह भाव में जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से इस काम को बखूबी अंजाम दिया गया। इस वक्त तमाम जिम्मेदारान मौजूद रहे। काकती पुलिस थाने के सामने बैरिकेड्स लगाने की वजह से हादसा होने की इत्तला हासिल हुई। इंतजामिया की जानिब से आरटीपीसीआर की सख्ती को रद्द करने की बात कही जा रही है, फिर भी हाईवे पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ऐसा आवाम का कहना है, जिससे हादसा पेश आ रहे। पतंग के मांझे से भी ऐसी कई वारदातें पेश होने की बात आवाम ने कही। सारा फाउंडेशन की जानिब से डेंगू प्रिवेंशन कैंप का एहतमाम तिरंगा कॉलोनी अमन नगर में किया गया। डेंगू की दवा दी गई। जश्न मिलाद के मौके पर बढ़ती बीमारियों के चलते डेंगू प्रिवेंशन कैंप का एहतमाम किया गया था। तकरीबन 1200 से भी ज्यादा लोगों को डेंगू की दवाइयां पिलाई गई। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।